एक एक बहन को, एक एक भाई को। तुमको भी बाबा क्या था जी? मैं सत्यनारायण मिश्रा जी, मैं जो है गोमुखासन करो। अस्थमा मेरे को बहुत था, तो विशाखापट्टनम में आपका एक कैंप हुआ था 2002 में। हाँ, वो लक्ष्मी जी ने करवाया था। हाँ, तो वही मैंने अटेंड करा था वहाँ पे। हाँ, तो मैं वो NGC में सर्विस में था। अच्छा, तो वहाँ से बाबा जी मैंने देखा, तो आपने अनुलोम विलोम बताया और गिलोई के बारे में बताया, तो मैंने प्राणायाम करना शुरू किया और गिलोई खाना शुरू किया, तो उससे जो है मेरा अस्थमा बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसके लिए जो है मतलब फिर अस्थमा मतलब तब से आज तक 20 साल तक जो है कभी कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं जो है। तो 20 साल से तब से ठीक किया और तब से लगातार कर रहे हैं। रेगुलर प्राणायाम करता हूँ और गिलोई अलवीरा आंवला सुबह में जो है खाली पेट पीते हैं। एकदम फर्स्ट क्लास कर लिया। और अभी आपको नशे भी करवा दिया, ये कभी कभी करते रहा करो, सप्ताह में एक बार कर लिया करो जी। मैं घर पे रखा हूँ जो है, मैं भी सप्ताह में एक बार डाल लेता हूँ ऐसे ही बाहे बगाए। और वो सुबह थोड़ा ठंडा रहता है तो कंठा भी जेब में लिए घूमता हूँ, जब जरूरत पड़ जाए। जब जरूरत पड़ी तभी मुँह में डालिए। आजकल खांसी खुर्रा हो तो लोग ऐसे घुर्रा के देखते हैं, तो कोरोना तो नहीं है? तो पहले तो खांसी को लोग हल्के में लेते थे, आजकल तो कोई खांसना ही नहीं चाहता। खांसे और छींके तो सारी दुनिया की निगाहें उसी पर टिक जाती है। अरे क्या हो गया? अब ठीक है बाबा जी एकदम। चलो पीछे बहन जी को देना जो जननी थी। बाबा जी एक और मेरे को अभी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम ज्यादा हो गया। वो भी निकल जाएगा, प्रोस्टोगिट ले लो जी। और कपाल भाति एक एक घंटा 3 टाइम करना शुरू कर। अच्छा जी। और कमजोरी ना आए तो उसके ऊपर से दूध पी लेना आपने, क्या है? ठीक है बाबा, दूध पियो और थोड़ा वेट गेन खा लेना आप। अरे खजूर खाओ आप, खजूर। शुगर तो नहीं है ना? नहीं शुगर नहीं है, खजूर। वेट तो लॉस हो रहा है। अरे खजूर खाओ आप, 200 ग्राम खजूर खाओ जी डेली। आपका एक में 2 महीने में वेट बढ़ जाएगा 5-10 किलो जी। ओके बाबा जी, ओके। उम्र कितनी आपकी? 66 साल, 66। क्या बात है, एकदम। और आप मजबूत है, थोड़ा वेट कम है और आप बढ़ते ही। हाँ, वेट 49 kg बाबा जी। वेट बढ़ते ही आप अपने बेटे के जैसे लगने लगोगे जी।